हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सास और बहू की कहानी का रिएक्शन। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स बिगिन स्टार्ट। सीमा के बालों में बचपन से बहुत जुए थी। इसका कारण था सीमा का कई कई दिन सिर को ना धोना, ना ही सिर की सफाई करना। ये आदत उसके बड़े होने पर भी नहीं छूटी। जब वो कॉलेज गई तो कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार नहीं था। सब लड़कियां उससे नफरत करती थी। यार मेघा, जरा अपना हेयर ब्रश तो देना, मैं लगता है घर पर ही भूल आई हूँ। ना बाबा ना, तेरे बालों में तो जुए हैं, तुझे तो मैं अपना हेयर ब्रश कभी भी ना दूँ। चल ज्योति, कॉलेज की छुट्टी हो गई है, घर जाते हुए रास्ते में गोलगप्पे खाते हुए जाएंगे। सीमा के सिर में जुए होने के कारण हमेशा ही वो अपमानित होती थी, पर मजाल है जो वो अपना सिर साफ करवा ले। सीमा, ओ सीमा, ये सिर धोकर गीला तौलिया तूने स्टैंड पर टांगा है? हाँ माँ, वो सिर बहुत खुजली कर रहा था तो धोकर आई थी। सारा तौलिया जुओं से भरा हुआ है, सिर तो खुजली करेगा ही। कितनी बार कहा है सिर साफ करवा लिया कर, पर सुनती कहाँ है। पता नहीं इस लड़की के सिर की जुए जाती ही क्यों नहीं है। वृंदा, जितनी जल्दी हो इसके सिर की जुए साफ करवा दे। बड़े बूढ़े कहते हैं जिस लड़की की शादी के समय सिर में जुए हो, शादी के बाद जुए ब्याह जाती हैं, फिर उन्हें साफ करना बहुत मुश्किल होता है। क्या दादी, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बेकार में ही डरा रहे हो। सीमा की दादी चाहती थी कि सीमा किसी तरह अपने सिर की तरफ ध्यान दे दे, पर उसने एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। आकाश नाम के लड़के से सीमा का रिश्ता तय हो जाता है, पर शादी के दिन मंडप में सीमा का हाथ बार बार अपने सिर में जा रहा था। क्या करूं, ये जुए तो जैसे रेलगाड़ी की तरह सिर में दौड़ लगा रही हैं। जुड़ा होने के कारण उन्हें रेंगने के लिए जगह जो नहीं मिल रही होगी। अरे मत घूमो सीमा, आकाश, एक दूसरे के गले में जयमाला पहनाओ। क्या हुआ सीमा, तुम बार बार अपने सिर में खुजली क्यों कर रही हो? वो पता नहीं, मेरे जूड़े में लगी पिने चुभ रही हैं। कितनी बार इसे बोला था अपना सिर साफ कर ले, नहीं तो जुए खुजली करेंगी, पर ये लड़की मेरी सुनती कहाँ है। अब शादी के बाद किस किस से छुपाएगी। सीमा की शादी हो जाती है, पर वो अपने सिर को हमेशा घूंघट से ढक कर रखती थी। सीमा बहू, तुम सचमुच बहुत संस्कारी हो, पर हमारे यहाँ सिर ढकने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी बहुओं से पल्ला नहीं रखवाते। माँ जी, मुझे सिर पर पल्ला रखना अच्छा लगता है। सीमा जब अपने कमरे में जाती तो आकाश के सो जाने के बाद वो सिर को बुरी तरह खुजाने लगती। वो बाथरूम में खड़ी होकर अपनी जुओं वाली कंघी से सिर को काटने लगती, जो उसकी माँ ने उसे छुपाकर पर्स में रखने को दी थी। दो तीन दिन तक तो ठीक रहा, पर एक दिन आकाश अचानक चिल्ला उठा। माँ, मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है, लगता है कोई कीड़ा काट रहा है। क्या कीड़ा, जरा अपना सिर तो दिखा। हे भगवान आकाश, तेरे सिर में दो जुएं चल रही हैं। जुएं? ऐसा कैसे हो सकता है माँ, हमारे घर में तो किसी को भी जुए नहीं है। माँ, आपके बालों में भी एक जू चल रही है, वो आपके सफेद बालों में साफ दिखाई दे रही है। क्या, पकड़ तो जरा आकाश। क्या सीमा की जुओं का उसके ससुराल वालों को पता लग पाएगा या नहीं पता लगेगा? बिना स्किप किए वीडियो को आगे देखते हैं। डर के मारे सिर पर घूंघट डाले रखा, पर सबके बीच सीमा के सिर से साड़ी का घूंघट नीचे गिर जाता है। तभी एक पड़ोसन की नजर सीमा के सिर पर जाती है। हे भगवान, सुषमा, तुम्हारी बहू के सिर में कितनी जुए हैं। छी 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 छी, राम राम राम, जुए वाली बहू है सुषमा की। खबरदार जो मेरी बहू के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला। अरे हो जाती है जुए किसी न किसी के सिर में, पर इनसे छुटकारा भी तो पाया जा सकता है। तुम्हारी बहू बेटियों के सिर में कभी जुए नहीं पड़ी जो तुम मेरी बहू के पीछे पड़ गई हो। माँ जी कितनी अच्छी है जो मुझे सपोर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं गलती तो मेरी ही है, अगर आज मैं अपना सिर साफ रखती तो मेरे सिर में जुए ना होती, तो माँ जी को यूँ अपमान न झेलना पड़ता। मैं जुए अपने सिर को बिल्कुल साफ रखूंगी, मैं माँ जी को निराश नहीं होने दूंगी। अगले दिन ही सीमा एक अच्छे स्किन के डॉक्टर से मिली और कुछ खाने और लगाने की अच्छी दवाइयाँ लिखवा कर उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। रेगुलर इलाज करने से धीरे धीरे सीमा के सिर की जुए कम होने लगी, और एक दिन ऐसा आया जब उसके सिर में एक भी जू नहीं थी, उसका पूरा सिर साफ हो चुका था। थैंक यू डॉक्टर, आज आपके कारण मुझे अपने सिर की जुओं से छुटकारा मिल गया। सचमुच मेरा तो बहुत सिर दर्द रहता था, हर समय बेचैनी होती थी। सीमा बहुत खुश थी, आज उसने अपने सिर को घूंघट से नहीं ढका था, वो सम्मान से अपने साफ और सुंदर बाल खोलकर बेझिझक घूम सकती थी। ये देखकर सीमा की सास और आकाश बहुत खुश थे। सीमा की माँ और दादी को जब ये बात पता चलती है तो वो भी चैन की सांस लेते हैं कि आखिर सीमा ने अपने सिर की देखभाल के बारे में सोचकर हमेशा के लिए जुओं से छुटकारा पा लिया। प्रिया शादी करने के नाम से डर रही थी और बार बार अपनी मम्मी से एक ही बात कह रही थी। मम्मी, यह मायके में तो आपने ये बात सबसे छुपा ली और मेरी कभी भी इंसल्ट नहीं होने दी, पर ससुराल में ये बात किसी को भी पता चल गई तो आप जानते हो ना मम्मी, वहां मेरा कितना अपमान होगा।
जब मेरी सास और पति को ये पता चलेगा कि मैं रात में सोते वक्त बेड पर सुसू करती हूँ, जो कि मेरे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। प्रिया बेटा, मैंने तेरी दवाइयाँ सूटकेस में रख दी है, तूने समय पर लेती रहना। तू घबरा मत, डॉक्टर ने भी तो यही बोला है ना कि तुम्हें तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है और रात को सोने से पहले सुसु करके सोना तो तुम्हें ही परेशानी नहीं होगी। अपने खाने पीने का ध्यान रखना और सोते समय अपने मोबाइल में आधी रात का अलार्म भी लगा लेना, जैसे यहाँ लगा कर सोती हूँ। प्रिया उस वक्त माँ की बात को सुन लेती है, पर उसके मन में इस बात को लेकर बहुत डर और घबराहट पैदा हो रही थी। कुछ दिनों बाद प्रिया की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। कुछ दिन तक प्रिया अपने फोन में अलार्म लगाकर सोती है तो सब कुछ ठीक चल रहा था। पर एक दिन, प्रिया अचानक मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ रहा है, पर मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। तुम इस बात को लेकर मेरे से नाराज तो नहीं होना? नहीं नहीं, मैं भला क्यों नाराज होने लगी, आपका काम पहले है, आप अच्छे से काम करके लौटना। अरे रवि बेटा, तू चिंता क्यों करता है, मैं हूँ ना बहू का ख्याल रखने के लिए, हम दोनों सास बहू खूब मजे करेंगे। रवि काम से बाहर चला जाता है उसी रात। प्रिया बेटा, ये देख, मैंने हम दोनों के लिए कितनी बढ़िया वाली आइसक्रीम मंगवाई है, हम दोनों मिलकर खाते हैं। पर मैं तो आइसक्रीम खाती ही नहीं हूँ, क्योंकि ठंडी चीजें खाने से मुझे और ज्यादा सुसु आता है। पर माँ जी को मना कैसे करूँ, उन्हें बुरा लगेगा, मुझे आइसक्रीम खानी पड़ेगी। है ना कितनी बढ़िया वाली आइसक्रीम, हमारे यहाँ की मशहूर आइसक्रीम है। एक काम करो, जब तक रवि वापस नहीं लौटता, हम दोनों सास बहू एक ही कमरे में सो जाती हैं। रात को सोते समय गप्पे मारेंगे। जी जी ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। अब क्या करूं, मुझे माँ जी के साथ सोना पड़ेगा, कहीं रात में मेरा सुसु निकल गया तो मेरी तो सारी। ये होता है कि क्या रिया अपनी सासू माँ के साथ सोकर सुसु कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, देखते हैं। हम बिना स्किप किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रात सो नहीं पाई थी, वो रात तो जैसे तैसे कट गई। अगली रात जब प्रिया अपनी सास के साथ सोई तो उसका फोन चार्ज नहीं था, इस वजह से उसकी बैटरी खत्म हो गई और फोन स्विच ऑफ हो गया। प्रिया गहरी नींद में थी तो उसे पता ही नहीं चला कि उसे रात में उठकर बाथरूम जाना है। अगली सुबह जब प्रिया सोकर उठती है, उसका पूरा बिस्तर गीला था, घबराहट से उसके पसीने छूटने लगते हैं। प्रिया की सास ये सब देख लेती है और गुस्से में प्रिया पर चिल्ला पड़ती है। इतनी देर में रवि भी वापस आ जाता है। रवि बेटा, हम बेड पर सुसु करने वाली बहू ले आए हैं, मुझे तो सचमुच इसे अपनी बहू कहते हुए शर्म आ रही है, दुनियादारी और समाज में किसी को भी पता चल गया तो सब लोग हम पर हंसेंगे, अब मैं इसका क्या, मुझे तो सचमुच इसे अपनी बहू कहते हुए शर्म आ रही है, अब हम पर हंसेंगे, अब मैं इसका क्या करूं, इसके माँ बाप ने भी हमसे इस बात को छुपाया और तो और इसने भी हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो कहती हूँ इसे अभी के अभी इसके माँ के घर भेज दे। अब तू ही इससे बात कर। माँ मैं ये बात जानता हूँ, मुझे पता है कि प्रिया को रात में बेड पर सुसु करने की आदत है। क्या तू ता है और तूने ये बात मुझसे छुपाई? आते ही बीवी का गुलाम हो गया। रवि इस बारे में जानते थे पर उन्होंने मुझसे इस बात के बारे में पूछा भी नहीं और गुस्सा भी नहीं किया। पर रवि को ये बात कैसे पता चली, मैं तो रोजाना अलार्म लगाकर सोती हूँ। माँ ये बात मुझे उस दिन पता चली जिस रात प्रिया बहुत गहरी नींद में थी। अलार्म मैंने ही बंद किया था, तब मैंने देखा प्रिया के आसपास बिस्तर गीला हो रहा था, मैं उसी वक्त समझ गया था। प्रिया तुम्हें याद होगा जब उस दिन तुमने मेरे उठते से ही बेडशीट चेंज कर दी थी ताकि मुझे पता ना चले। माँ प्रिया की नजर से सोचो, वो खुद इस आदत से कितनी शर्मसार होती होगी, शायद ये कई रातें सो भी नहीं पाई है। माँ आप जानती हो इस आदत की सबसे बड़ी वजह तनाव है, आप तो खुद कहती हो किसी भी बीमारी की सबसे बड़ी वजह चिंता होती है, पर माँ हम कितनी बीमारियों का शिकार होते हैं पर उन्हें ठीक करने के लिए इलाज के साथ साथ हमें अपनों के सहयोग की भी तो जरूरत होती है, तभी तो हम बीमारी से लड़कर ठीक हो पाते हैं। सही माँ, इस वक्त प्रिया जिस जगह खड़ी है शायद हम दोनों उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ठीक बोल रहे, इस वक्त प्रिया को हम दोनों के सहयोग की बहुत जरूरत है। अच्छा माँ एक बात बताओ, अगर यही आदत मुझ में होती तो फिर तुम क्या करती, मेरे ठीक होने में मेरी मदद करती या फिर मुझ पर गुस्सा करके मुझे घर से निकाल देती? माँ अगर आप प्रिया को इस घर में नहीं रख सकती तो मैं प्रिया को लेकर कहीं और चला जाऊंगा।
ओह माय रवि गॉड, की बातों को सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो रो पड़ती है। इमोशनल। सचमुच रवि एक अच्छा पति होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी था। मुझे माफ कर दे बेटा, तू ये घर छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रिया बहू, मुझे माफ कर इसमें दो। गलती कौन सी हो गई? मुझे तुम्हें समझना चाहिए था, ना कि तुम्हारी कमी को ढूंढना चाहिए था। एक माँ होकर भी मैं तुम्हारी परेशानी को समझ नहीं पाई। नहीं माँ जी, आप मेरी माँ हो और माँ कभी अपने बच्चों से माफी नहीं मांगती। मैं सचमुच कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे पति के रूप में रवि और माँ के रूप में आप मिले। प्रिया अपनी सास के गले लग जाती है, ये देखकर रवि भी बहुत खुश होता है। प्रिया अब रात में तरल पदार्थ ज्यादा नहीं लेती थी और समय पर सोती थी। प्रिया रात में कभी अलार्म से ना उठ पाए तो रवि उसे उठा देता था ताकि प्रिया को रात में कोई परेशानी ना हो। प्रिया की सास और रवि प्रिया को खुश रखते थे। धीरे धीरे रवि और सास के सहयोग से कुछ समय में ही प्रिया की ये आदत पूरी तरह से छूट जाती है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। चलिए फ्रेंड, आपको कैसी लगी ये कहानी? मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 7 की। कहानी बहुत अच्छी थी, दोनों कहानी बहुत अच्छी थी। अब सवाल ये हैं, तभी हमें पता चल पाएगा कि क्या होता है सीमा के साथ। चलें।